हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 27 अगस्त 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ हम 26 अगस्त और 27 अगस्त दोनों की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वो है फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी को लेकर। तो कंटेक्स्ट ये है कि स्वीडन कंट्री ने अभी फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी को लेकर एक हैंडबुक है वो पब्लिश की है। तो ये थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि नारीवादी जो विदेश नीति है इसके बारे में स्वीडन के क्या व्यूज़ हैं। उन्होंने एक अपनी हैंडबुक है, नोटबुक है, वो उन्होंने पब्लिश की है। तो इस पर यूपीएससी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर क्वेश्चन से वो पूछ सकती है। बात करें हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की, तो स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज़ हैं उसका बेसिकली मेन मोटो यही है कि वो वुमेन राइट को भी ग्लोबल लेवल पे मतलब प्रचार प्रसार करती हैं और उनको प्रमोट है वो करती रहती हैं। तो अभी तक जो स्वीडन जो कंट्री है इसने इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या तो काम किया है नारीवाद के लिए, मतलब नारी को प्रमोट करने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। हम बात करें तो कॉन्गो के अंदर स्वीडन ने काफ़ी सपोर्ट है वो वहाँ पे प्रोवाइड करवाया था, और बाकी और जो भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं वो सपोर्ट वो करवाती रहती हैं। तो बेसिकली जो ये भी हैंडबुक है या ये जो वुमेन एम्पावरमेंट को लिस्ट लेके स्टेप उठाए गए ये भी स्वीडन के द्वारा उठाया गया। तो इस पर यूपीएससी पूछ सकती है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने जो फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी है इसको लेके हैंडबुक वगैरह पब्लिश की है। तो हमें पता होना चाहिए कि स्वीडन कंट्री ने ये स्टेप है वो बेसिकली उठाया है। स्वीडन जो कंट्री है इसमें बेसिकली वुमेन जो राइट है उनको ग्लोबल लेवल पे एम्पावरमेंट के थ्रू बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ फोकस किया जा रहा है। वुमेन का जो पॉलिटिकल पार्टनर जो पार्टिसिपेशन है उसको भी सपोर्ट दिया जा रहा है। वुमेन के साथ जो भी कहीं सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह आता है, वायलेंस वगैरह होता है, उनसे निपटने के लिए उनको बताया जाता है। इसके साथ ही वुमेन की बात करें जब इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसको भी इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप हैं वो उठाए गए हैं। तो बात करें हम जो जेंडर इनक्वलिटी की उसमें भी काफ़ी सारा सपोर्ट है वो बेसिकली दिया गया है स्वीडन के द्वारा। तो ओवरऑल उनके द्वारा एक नोटबुक या बोलते तो एक हैंडबुक है वो पब्लिश की गई है फीमेन फॉरेन पॉलिसी के लिए, फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी को लेकर। तो ये चीज़ थोड़ी हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, मतलब विधान परिषद को लेके। कंटेक्स्ट क्या है वो देखते हैं, फिर इसे अच्छे से बैकग्राउंड के साथ डिस्कस करेंगे। कंटेक्स्ट ये है कि उड़ीसा की विधानसभा ने लेजिस्लेटिव असेंबली ने अभी एक जो मानसून सेशन चल रहा था इसके दौरान एक प्रस्ताव पास किया कि भाई उड़ीसा में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका निर्माण है वो किया जाएगा। उसमें 49 मेंबर की बात है वो की गई है। तो अब हम यहाँ पे जानेंगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो कैसे बनाई जाती है, कैसे उसको अबोलिश किया जाता है, क्या क्या उसमें डिफरेंसेस, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, वो सब पावर्स वगैरह को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो बात करें हमारे देश में तो संसदीय प्रणाली दो तरह की है, एक साइड तो होता है लोकसभा और एक सेशन होता है, एक जो हिस्सा होता है वो होता है लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरीके से हम बात करें स्टेट में तो स्टेट में भी दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद दोनों को मिला के बोला जाता है, दोनों को मिला के बेसिकली विधान संसद के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान है वो रखनी है कि भाई विधानसभा और विधान परिषद दोनों अलग अलग चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। अब बात ऐसी है कि देखो सेंटर के अंदर हम बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों चीज़ें होती हैं। हम जैसा जानते हैं कि लोकसभा में जो मेंबर इलेक्ट होते हैं वो जनता के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किए जाते हैं बेसिकली, तो मतलब इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। और हर 2 साल में वो मेंबर है वो एक तीन मेंबर है वो एक तरह से मतलब चेंज होते रहते हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल भी बेसिकली 6 साल होता है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेसिकली लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब हमारा यहाँ पे फोकस रहेगा वो रहेगा विधान परिषद के ऊपर, क्योंकि राज्य के अंदर विधानसभा तो सभी में होती है बट विधान परिषद है उसका ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सभी स्टेट्स के लिए वो कंपलसरी है। तो पहली बात तो हम यहाँ पे करंट के कंटेक्स्ट कनेक्ट करेंगे कि भाई उड़ीसा को क्या जरूरत है, उड़ीसा क्यों एसपीली विधान परिषद का निर्माण है वो कर रहा है। तो देखो बेसिकली 2 रीजन होते हैं इसके कि विधान परिषद का काम क्या होता है। एक तो रीजन ये है कि जैसे कि विधानसभा है, लोग लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके द्वारा कोई जल्दबाजी में ऐसा डिसीजन ना लिया जाए जिससे कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान हो या वहाँ के जो भी जनता है उसको कोई ना कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, मतलब जल्दबाजी में निर्णय ना हो सके इसको चेक करने के लिए। क्योंकि देखो एक बार तो आपको पता है डिबेट होगी, जो बहस होगी वो विधानसभा में होगी, उसके बाद जो भी बिल है वो विधान परिषद में जाएगा, तो दो बार किसी चीज़ पर डिबेट होगी तो ऑब्वियसली उस चीज़ को मतलब कहीं ना कहीं मिसयूज़ नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए डिबेट वगैरह बढ़ेंगे तो एक बेनिफिट हो जाएगा कि भाई जो भी कानून बनाए जाएंगे विधानसभा के द्वारा विधान परिषद के द्वारा उसमें तो कमी नहीं रहेगी बेसिकली, मतलब कि 2 बार डिबेट हो रही है तो जो भी कुछ कमियां वगैरह रहेंगी उनको ठीक किया जा सकता है। दूसरा बेनिफिट ये हो जाएगा कि देखो विधानसभा के अंदर जो मेंबर होते हैं ना वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, आपको पता है जनता उनको चुनती है, तो इसीलिए हो सकता है कि जनता अपने दबाव में कोई भी उनसे गलत काम भी करवा सकती है, भाई ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है ना।
जबकि विधान परिषद में क्या होता है, विधान परिषद के मेंबर होते हैं वो जनता द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं, कुछ तो उसमें से नॉमिनेटेड होते हैं। जैसे कि एक तिहाई जो मेंबर होते हैं वो तो विधानसभा के जो मेंबर इलेक्ट होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं इनडायरेक्टली। फिर होते हैं कि एक तिहाई जो मेंबर होते हैं वो जो म्यूनिसपालिटीज होती हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ब्लॉक वगैरह अधिकारी वगैरह होते हैं उनसे इलेक्ट किए जाते हैं। इसके साथ ही 1/12 मतलब 1/12 जो मेंबर होते हैं वो टीचर्स वगैरह हैं एजुकेशन से, वहाँ से इलेक्ट किए जाते हैं। इसी के साथ ही 1/12 जो स्टाफ होता है वो एक्चुअली रजिस्टर्ड जो ग्रेजुएट वगैरह होते हैं और बच्चे हुए हैं वो नॉमिनेट वगैरह होते हैं। तो मतलब बात क्या है यहाँ पे कि देखो जो सारे मेंबर हैं उनमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं ये जनता के प्रेशर में काम नहीं करेंगे। इसीलिए क्या होगा कि विधान परिषद के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे उनमें जनता का एक तरीके से मतलब आप बोल सकते हो कि पर्सनल हित है, जो जनता के पर्सनल बेनिफिट है उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, मतलब सब लोगों को उस चीज़ से फायदा होगा वही पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड है वो किए जाएंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं और ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो कानून बने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने उन सब के लिए विधान परिषद का बेसिकली निर्माण है वो किया जा रहा है। तो अभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडिया में कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे विधान परिषद हैं, इसके बारे में आपको बताना है। एक आपके लिए आज का क्वेश्चन होगा, स्टेट का नाम आपको यहाँ पे बताना है। अब देखो बात ऐसी है, एक तो हम उनका कार्यकाल देखेंगे यहाँ पे, इसके साथ ही अहम चीज़ क्या होती है कि भाई उनको बेनिफिट देखो हटाने की प्रोसीजर और कैसे उनको चुना जाता है, मतलब विधान परिषद किस आधार पर बनाई जाती है। इसके लिए देखो प्रॉपर फ्रेमवर्क है हमारे जो पार्लियामेंट की, हमारे जो संविधान का आर्टिकल 169 है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि अगर विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल को अगर बनाना है या हटाना है तो उसके लिए सबसे पहले तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना वो अपनी तरफ से स्पेशल मेजोरिटी के साथ एक प्रस्ताव पास करेगी कि हाँ भाई हमें एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने की जरूरत है या नहीं है। बनाना है तो वो बनाने को लेकर प्रस्ताव पास करेगी, अगर उसे हटाना है तो उसको हटाने को लेकर प्रस्ताव पारित है वो करेगी। इसके बाद में जो काम है वो वहाँ पे पार्लियामेंट के पास आता है और पार्लियामेंट उसको फिर क्या करती है अनुमति देती है कि हाँ भाई ठीक है बनेगा नहीं बनेगा। बेसिकली काम होता है मतलब स्टार्टिंग होती है विधानसभा के द्वारा ही, विधानसभा कहती है कि हाँ भाई स्पेशल मेजोरिटी के साथ हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है तो बनाई जाती है, अगर हटानी है तो भी विधानसभा पहले प्रस्ताव पारित करती है उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बेसिकली हटाती है या ये बेसिकली फॉर्मेलिटी है वो आगे होती रहती है। हमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि इसके मैक्सिमम मेंबर बेसिकली कितने हो सकते हैं। देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मैक्सिमम मेंबर इतने होते हैं जो कि विधानसभा के 1/3 होते हैं, मतलब विधानसभा में 300 सदस्य हैं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद के अंदर केवल और केवल 100 सदस्य ही हो सकते हैं, 1/3 होंगे। बट कुछ ना कुछ कंडीशंस भी हैं जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में 40 हैं, जहाँ पे कुछ जगह कम हो रहे हैं वहाँ पे कुछ लिमिट वगैरह भी दी गई हैं, बट मिनिमम प्रावधान ये किया गया है कि भाई 1/3 मेंबर ही हो सकते हैं। तो ये एग्जेप्शन भी हमें ध्यान रखने और ये चीज़ भी ध्यान रखने की कितने मेंबर होते हैं, कार्यकाल वगैरह ये बेसिक पॉइंट्स हमें सब ध्यान वो रखने। क्यों इसका निर्माण किया जा रहा है वो भी हमने देखा कि जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो भी कानून वगैरह एक्ट वगैरह बन रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस या आप बोल सकते और ज़्यादा पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए बेसिकली इनका निर्माण है काम वो किया जा रहा है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, इसे हमने अच्छे से डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आया हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, कंटेक्स्ट ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन वाला है उसको लेकर अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे बजट वगैरह है वो एलोकेट किए हैं, इससे के साथ ही उसका जो डिफरेंट फेज है उनको भी स्टार्ट करने की बात आई है। तो हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट होती है प्रधानमंत्री आवास योजना है क्या, सबसे पहले तो हम वो जानते हैं। देखो प्रधानमंत्री आवास योजना का एक मिशन है, मेन मिशन मोड प्रोजेक्ट है बेसिकली, है मेन मिशन ये है हाउसिंग फॉर ऑल 2022 तक, मतलब 2022 तक हमारे देश में सभी को घर है वो प्रोवाइड कराने, ये बेसिकली एक मिशन लाया गया था और इस मिशन को पूरा करने के लिए ही दो मिशन चलाए गए हैं, एक तो है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और एक है प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, मतलब रूरल एरिया के लिए अलग मिशन चलाया गया है, अर्बन एरिया के लिए अलग मिशन है वो चलाया गया है। अब बात ऐसी है कि अर्बन एरिया का जो मिशन है वो चलाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के द्वारा, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसी के साथ आपको बता रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो रूरल वाला पार्ट है वो कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा संचालित है वो किया जा रहा है, ये उसके बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, तो यहाँ पे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको वो चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। अब देखो बात ऐसी है कि गवर्नमेंट क्या करेगी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, लोगों को या तो सब्सिडी प्रोवाइड करेगी या फिर लोगों को क्या है कि ग्रांट्स देगी, इसी के साथ ही लोगों को क्या करेगी हाउसिंग लोन की भी सब्सिडी प्रोवाइड है वो करवाई जाएगी इसमें, मतलब एट एनी कॉस्ट उनको 2022 तक घर प्रोवाइड करवाने के लिए गवर्नमेंट स्टेप उठा रही है, क्योंकि 2022 में आपको पता है कि हमारी 75वीं इंडिपेंडेंस डे है, तो उसी मौके पर गवर्नमेंट चाहती है कि सभी लोग प्रॉपर ढंग से मतलब उनके पास घर वगैरह होना चाहिए और उसी लिए गवर्नमेंट इसको डिफरेंट फेज में स्टार्ट है वो कर रही है।
अब इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, इसके साथ ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसके द्वारा काम किया जाएगा। जैसे कि मान लो कि किसी गरीब इंसान के पास खेत जगह तो पड़ी है बट वो घर नहीं बना सकता, तो गवर्नमेंट यहाँ पे घर बनाएगी प्राइवेट की कंपनीज की हेल्प से, और फिर ये थोड़ा हिस्सा है वो तो दे देगी जो गरीब आदमी है उसको, बाकी हिस्से हैं जो वो कहीं ना कहीं जो और लोग हैं जिनके पास जमीन वगैरह नहीं है उनको एलोकेट किए जाएंगे। इसके साथ ही गवर्नमेंट कुछ जगह लैंड प्रोवाइड करवाएगी, कुछ जगह लैंड है तो उनको सब्सिडी वगैरह दी जाएगी ताकि होम लोन के लिए, ताकि वो अपना घर है वो बना सकें। इसी के साथ अहम चीज़ें ध्यान रखनी है कि बेसिकली है जो स्कीम है वो इकोनॉमिक वीक सेक्शन होते हैं जो मतलब गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए है, इसी के साथ ही जो लोअर इनकम ग्रुप है उन दोनों के लिए बेसिकली स्कीम है वो लाई गई है। तो गवर्नमेंट इसमें आइडेंटिफाई करेगी कि भाई कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास घर बनाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, उनको गवर्नमेंट क्या करेगी 1.5 लाख रुपए की स्पेशल ग्रांट भी देगी अलग से ताकि आप लोग अपना घर बना सको। 1 लाख रुपए की ग्रांट देखो सबको दी जाएगी, आपको बताऊं 1 लाख रुपए तक तो सभी को दिए जाएंगे, हाँ भाई ठीक है आप 1 लाख रुपए लो घर बनाओ आपके पास घर नहीं है इसलिए, बट जो लोग बहुत गरीब हैं उनको गवर्नमेंट 1.5 लाख रुपए की स्पेशल ग्रांट भी देगी। इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट है वो इंटरेस्ट सब्सिडी देगी हाउसिंग लोन में, जैसे ये मानो हाउसिंग लोन 8% चल रहा है तो गवर्नमेंट उनका 6.5% तो खुद पे करेगी, बस उनको 1.5% ही पे है वो करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का मेन मोटो यही है कि भाई सभी को घर है वो मुहैया होने चाहिए, इसी के लिए गवर्नमेंट स्टेप है वो उठा रही है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं इसके वो हमें ध्यान है वो रखने हैं। जैसे यूपीएससी पूछ लेगी कि ओनली स्पेशल ग्रांट वो दी जाएगी इकोनॉमिक सेक्शन को वीक सेक्शन को वगैरह, तो हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या इसके प्रिंसिपल है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है एयूलस के बारे में। तो क्या है एयूलस ये हम देख लेते हैं। देखो एयूलस है वो यूरोपियन विंड सर्वे सेटेलाइट है, तो ये चीज़ हमें ध्यान है वो रखनी है, और यह एक जॉइंट प्रोजेक्ट के तहत इस 20 को सेंड है वो मतलब लॉन्च है वो किया गया है। काम क्या होगा इसका वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया इस प्रोजेक्ट को। देखो यूरोप का एक प्रोजेक्ट है कोपरनिकस प्रोजेक्ट, ये कोपरनिकस जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली दो स्पेस एजेंसी हैं, एक तो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और एक है यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी। इन दोनों स्पेस एजेंसी के द्वारा मिलकर कोपरनिकस प्रोजेक्ट लाया गया था, और इस कोपरनिकस प्रोजेक्ट के तहत ही एयूलस जो यूरोपियन विंड सर्वे सेटेलाइट है इसको लॉन्च है वो किया गया है। अभी यूरोपियन विंड सेटेलाइट जो सर्वे सेटेलाइट है ये बेसिकली क्या करेगा, जो इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग जैसे जो का इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको बेसिकली ये स्टडी करेगा, उसको ट्रैक करेगा। इसके साथ ही जब भी कहीं डिजास्टर वगैरह होगी तो रिलीफ के दौरान सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाने का काम इस विंड सेट सर्वे सेटेलाइट के द्वारा किया जाएगा। मतलब विंड्स वगैरह को ट्रैक करेगा, उनके द्वारा पता लगेगा कि भाई विंड्स का फ्लो ऐसे हो रहा है इसका मतलब क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, इससे कितनी इस बार गर्मी बढ़ेगी कि क्या क्या इम्पैक्ट है, वो सारी चीज़ें इसके द्वारा स्टडी है की जाएंगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि एयूलस है वो यूरोपियन विंड सर्वे सेटेलाइट है, और ये बेसिकली यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा बनाए मतलब लॉन्च है वो किया गया है। इसको लॉन्च किया गया है फ्रेंच गोयना के द्वारा, फ्रेंच गोयना जो स्पेस स्टेशन है वहां से इसको लॉन्च है वो किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो एक रिपोर्ट को लेकर है, तो अभी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है उसके कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रिपोर्ट का नाम है द अर्बन कम्यूट एंड हाउ इट कॉन्ट्रीब्यूट टू पॉपुलेशन एंड एनर्जी, पॉल्यूशन एंड एनर्जी सॉरी। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि द अर्बन कम्यूट एंड हाउ इट कॉन्ट्रीब्यूट टू पॉपुलेशन एंड एनर्जी की जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा पब्लिश की गई है। देखो बेसिकली ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश की गई है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के द्वारा। इस रिपोर्ट में क्या है वो हम देख लेते हैं। इस रिपोर्ट में बेसिकली कुछ पैरामीटर्स को यूज किया गया है और उनके आधार पर यह पता लगाया गया है कि भाई जो एनर्जी कंजप्शन है पर पर्सन वो किस तरीके से हो रहा है सिटी में, और इसी के साथ ही देखा जा रहा है कि जो पोल्यूशन है उसको किस लेवल पे फैलाया जा रहा है। काफ़ी सारे इन चीज पैरामीटर्स का बेसिकली एनालिसिस है वो किया गया है। तो इंडिया की जो मोस्ट 14 सिटीज़ हैं उनको बेसिकली यहाँ पे एनालिटी या उनका एक्चुअली यहाँ पे आपको बोलो तो स्टडी की गई है। तो इसमें कोलकाता ने टॉप किया, मतलब कोलकाता में जो एनर्जी कंजप्शन है वो भी सही ढंग से हो रहा है। इसके साथ ही वहाँ पे बात करें पोल्यूशन की तो पोल्यूशन को भी कहीं ना कहीं वहाँ पे काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट स्टेप है वो उठा रही है। और दिल्ली और जो हैदराबाद है उनको लोअर तबके से जगह मिली है, मतलब दिल्ली और हैदराबाद है उनको बॉटम से जगह मिली है। क्यों? क्योंकि दिल्ली और हैदराबाद में जो पोल्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा है, इसके साथ ही जो एनर्जी कंजप्शन का सेविंग वगैरह है वो भी वहाँ पे बहुत कम की जा रही है। तो इसीलिए दिल्ली और हैदराबाद को नीचे रखा गया है, कोलकाता को फर्स्ट रैंक यहाँ पे बेसिकली दी गई है। और भोपाल में जो एनर्जी कंजप्शन या बोल सकते हो कि लाइट को बचाने सेविंग के लिए काफ़ी सारे स्टेप उठाए गए हैं तो उसमें भी भोपाल आगे रहा है। तो ये कुछ पैरामीटर्स के आधार पे कि एनर्जी कंजप्शन कैसा हो रहा है अर्बन एरिया के अंदर, इसके साथ ही वहाँ पे देखा जा रहा है कि भाई जो पॉपुलेशन वगैरह है सॉरी पॉल्यूशन वगैरह है वो किस लेवल पे है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है कोई स्टेप है वो उठा रही है। उन सब पैरामीटर के आधार पे
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है, उसके द्वारा द अर्बन कम्यूट एंड हाउ इट कॉन्ट्रीब्यूट टू पोल्यूशन एंड एनर्जी रिपोर्ट है, वो पब्लिश की गई है। तो ये रिपोर्ट के बारे में थोड़ा हमें ध्यान रखना है, इस रिपोर्ट के पॉइंट्स वगैरह क्या होते हैं। ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमने फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी के बारे में जाना कि स्वीडन ने पहली बार जो फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी को लेकर हैंडबुक है वो लॉन्च की है, तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके साथ ही हमने देखा कि उड़ीसा है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को निर्माण करने के लिए उन्होंने भी अनुमति है वो दे दी है, तो इसके बारे में हमने जाना। इसके साथ ही हमने प्रधानमंत्री आवास योजना का जो अर्बन वाला हिस्सा है इसके बारे में जाना, और जो एयूलस है इसके बारे में हमने देखा कि यूरोपियन विंड सर्वे सेटेलाइट है इसका क्या क्या काम है। इसी के साथ ही हमने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ये थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।